हमारी सरकार ने, उन्होंने पूरी दुनिया से अच्छे संबंध बनाए और रशिया को भी साफ साफ कह दिया कि देखो भाई हम जहाँ से मर्जी हथियार खरीदेंगे और जिससे भी खरीदें उसके साथ एक शर्त जोड़ कि उसको टेक्नोलॉजी हमें देनी पड़ेगी। अगर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में तो 21 देश आज़ाद हुए उन्हीं दिनों में, तो पीछे रहने वाले देशों में भारत क्यों, भारत और पाकिस्तान पीछे रहेंगे इन पीछे रहने वाले देशों में। इवन बांग्लादेश भी हमसे बेहतर काम कर रहा था उस जमाने में, श्रीलंका भी पीछे रह गया, लेकिन जापान तो पीछे नहीं रहा, जर्मन बर्बाद हो गया वो तो पीछे नहीं रहा, इंग्लैंड बर्बाद हो गया वो तो पीछे नहीं रहा। ऐसा कौन सा निरंकुश शासक था कि जिसने अय्याशी ना की, जिसने मौज मस्ती के समान अपने घर में अपने दुनिया में नाच जुटाए। आज की डेट में नरेंद्र मोदी एक फकीर की तरह है उनका जीवन, कि उन्हें भी ये नहीं पता है मनीष तिवारी को कि भाई इंडिया अलायंस जीतेगा। पहली बात तो उन्हें यही नहीं पता है, उन्हें ये पक्का यकीन है कि नहीं जीतेगा, वो खुद जीतना चाहते हैं, इंडिया अलायंस भाड़ में जाओ उनका ठीक है भैया, मेरे को एक तरीके से एमपी बना दो जो मैं अपना जाते आता अपना मेरी अपने से बनी रहे। ऐसा पहली बार हमने देखने को मिला है चुनाव के अंदर। पहले जब इंदिरा जी चुनाव लड़ती थी तो भाई लोग कहते थे भाई न जात पे न पात पे इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ऐसा बोलते थे ठीक है ना। अब पर राहुल गांधी का फोटो नहीं, प्रियंका का फोटो नहीं, खड़गे साहब का फोटो नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों देश में 6 चरण के चुनाव जो है वो हो चुके हैं और 7वें चरण के चुनाव जो है वो 1 जून को होने वाले हैं। चुनावी जो पारा है इस समय अपने पूरे चरम पर है और चंडीगढ़ में आने वाली 1 जून को चुनाव होने वाले हैं। आज हम चुनावी चर्चा में बात करते हैं। आज हमारे साथ पहुंचे हैं यूपी से एक्स मिनिस्टर और चंडीगढ़ के प्रभारी अतुल गर्ग जी, जिन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़ा है। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले गर्ग साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्ग साहब आप मुझे एक चीज बताइए कि इस बार जो है वो फिर से आप कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दो, पिछले 10 साल जो है टनोर रहा है भाजपा का, 10 साल से भाजपा रही है, तो इस बार हम भाजपा को वोट क्यों दें? देखिए कि इसका उल्टा सवाल बनता है कि भाजपा के अलावा किसी और को वोट क्यों दें। जी बहुत सीधी सी बात है कि इस देश के गौरव बढ़ाने के लिए, इस देश की शक्ति बढ़ाने के लिए, इस देश का वैभव बढ़ाने के लिए, गरीब आदमियों के लिए काम करने के लिए, खिलाड़ियों के काम करने के लिए, सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, कोई सा एक मुद्दा भी आप छांट लें और ये बताएं कि 2014 से पहले ये इस मुद्दे पर ये स्थिति थी और उसके बाद ये स्थिति थी। अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो पहले हम 11वें नंबर पे थे विश्व में, अब आप 5वें नंबर पे आ गए, तो इसका मतलब भारत की इनकम बढ़ी है। 2014 का बजट आते हैं और अब का बजट आते हैं तो भारत का बजट 10 सालों में 5 गुना बढ़ा है। तो क्या 2004 से लेकर के 2014 का जो 10 साल का टेन्योर था तो उसमें कांग्रेस का कितना बजट बढ़ा, उसने कितना कमा के दिया भारत को, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप गौर करें कि कभी कभी इंदिरा आवास योजना, काशीराम आवास योजना आया करती थी, उसमें किसी किसी की लॉटरी लगती थी, अब खुली छूट है कि कोई भी गरीब आदमी अपना फार्म भरे और उसको LIG या EWS का मकान पूरे भारत में मिल रहा है। 4 करोड़ लोगों को मकान मिलना इन 10 सालों में, और आजादी के 70 सालों में कितने मकान मिले होंगे उसका अंदाजा आप लगाए। जो केंद्र सरकार है इसने बजट में कभी कोई ओपनली घोषणा नहीं की है कभी भी। देखिए पहले जो है लोगों को भरमाने का काम किया जाता था, आज की डेट में इन्होंने कहा कि हम इतना रुपया कमाएंगे और इतना खर्चा हम इन विभागों में करेंगे। और होता क्या है कि जब विभागों में काम शुरू हुआ है तो उनकी इनकम ऑटोमेटिकली पहले बजट में जितनी इनकम एक्सपेक्टेशन होती थी उससे कम होती थी, अब उससे लगातार ज्यादा होती। आपका GST में भी इनकम हो रही है, आपके रोड एंड ट्रैफिक के अंदर भी इनकम ज़्यादा हो रही है, तो हर चीज़ में जो तरक्की हुई है, तो इसके अंदर भाजपा सरकार में या मोदी सरकार में जो भ्रष्टाचार
खत्म किया गया है। तो अगर आप गौर करेंगे तो हमारे पास संसाधनों की कमी समाप्त हो गई है। मैं आपको आश्चर्यजनक बात बताऊं कि मेरे पास एक लेटर आया, मैं जब MLA हूं उस नाते से, अभी तो MLA हूं, कि आप अपने क्षेत्र में कौन सी सड़क बनवाना चाहते हैं, NHI से, PWD से, एक हमें लिख के भेजें, हम उसे बनवा दें। अब बताइए कि पूछकर आ जा रहा जनप्रतिनिधि से कि आपकी कौन सी सड़क बनवा दें, लोगों से पूछकर काम किया जा रहा है, पुल बनवा दें, क्यों? क्योंकि वो सक्षम है। गडकरी जी ने अपना इंटरव्यू दिया है कि आप बताओ क्या बनवाना है, मेरे पे पैसे की कमी नहीं है। उससे पहले क्या होता था, वो कहते थे मेरे पे सीमित साधन है तो मैं उन साधनों का उपयोग कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा जो भी प्राथमिकता के आधार पर। अब क्या कह रहे हैं, आप बताओ क्या करना है, मेरे पे पैसे बहुत हैं। उल्टी बात हो रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब जैसे सेना के अंदर आप ले लीजिए, पहले हमारे यहाँ हथियार बनते ही नहीं थे और आज की डेट में हम हथियार बना भी रहे हैं और जो खरीद भी रहे हैं। तो पहले एकमात्र हमारा सप्लायर पूरे वर्ल्ड में सप्लायर था रशिया। तो रशिया की क्वालिटी कुछ भी हो, प्राइस कुछ भी हो, हमें उसी से लेना पड़ता था। बिल्कुल ठीक है। अपने देश की रक्षा की हमने गारंटी रशिया से ले रखी थी कि रशिया हमें सपोर्ट करेंगे और सब पूरा दुनिया हमारे खिलाफ थी, ठीक है। और चीन हमें ब्लैकमेल करता था कि भाई, अभी हमने क्या किया, हमारी सरकार ने, उन्होंने पूरी दुनिया से अच्छे संबंध बना लिए और रशिया को भी साफ साफ कह दिया कि देखो भाई, हम जहां से मर्जी हथियार खरीदेंगे और जिससे भी खरीदेंगे उसके साथ एक शर्त जोड़ दी कि उसको टेक्नोलॉजी हमें देनी पड़ेगी। हमने चाहे राफेल खरीदा, चाहे पनडुब्बी खरीदी, चाहे टैंक खरीदा, चाहे राइफल खरीदी, और हमने हथियार बनाने शुरू कर दिए, बेचना शुरू कर दिया। उससे पहले ये हथियार क्यों नहीं बन सकते थे, DRDO हमारा डिफंक्ट क्यों था, अब DRDO अचानक से कौन से वैज्ञानिकों में जादू हो गया। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि देश का जो ताकत बढ़ी है। अगर हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में तो 21 देश आजाद हुए थे उन्हीं दिनों में, तो पीछे रहने वाले देशों में भारत क्यों, भारत और पाकिस्तान पीछे रहेंगे इन पीछे रहने वाले देशों में। इवन बांग्लादेश भी हमसे बेहतर काम कर रहा था उस जमाने में, श्रीलंका भी पीछे रह गया, लेकिन जापान तो पीछे नहीं रहा, जर्मन बर्बाद हो गया वो तो पीछे नहीं रहा, इंग्लैंड बर्बाद हो गया वो तो पीछे नहीं रहा, विश्व युद्ध के बाद उसके बाद तो आजाद हो ही गए हम, ठीक है। इवन चीन की हालत बहुत खराब है, वो पीछे नहीं रहा, तो क्योंकि जो नेतृत्व था वो ठीक नहीं था। तो भाजपा को इसलिए वोट देना चाहिए कि भाजपा के पास में एक ऐसा नेतृत्व है कि जिसने 10 सालों में करके दिखाया है और उसका तुलनात्मक अध्ययन करके ही बात करें सामने वाली, पता पड़ जाएगा। भाजपा का इस बार का नारा है 400 पार, तो कितना सार्थक है ये नारा? क्योंकि देखिए 6 चरण के जो चुनाव है वो हो चुके हैं, 7वें चरण के चुनाव होने वाले हैं, बहुत ज्यादा पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि क्या हो सकता है, तो 400 पार का नारा कितना सार्थक, कितना सही लग रहा है आपको? अगर चुनाव मुद्दों पे होता है, अगर चुनाव विकास की के आधार पे होता है, यदि चुनाव मेरिट पे होता है जिसे कहना चाहिए, तो 400 पार का जो एक्सपेक्टेशन है वो कोई ज्यादा नहीं। अगर इस यही वजह है, अगर आप गौर करेंगे कि जितने भी अप्रासंगिक मुद्दे हैं हवा में उछाले जाने वाले, कांग्रेस लगातार चुनाव उन्हीं मुद्दों पर लड़ रही है। उन्होंने क्या किया, शुरू में ओबीसी करना शुरू करा, कुछ दिनों बाद उन्हें लगा यार ये वाला कार्ड हमारा नहीं चल रहा है, फिर उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाने शुरू करे जिनका कोई सिर पैर ही नहीं, ठीक, कि भाई इमोशनल मुद्दे उठाने शुरू करे उन्होंने। तो वो कभी किसी चुनाव सभा के अंदर वो ये नहीं कह रहे कि 10 साल की हमारी सरकार थी, 10 साल की आपकी थी, 2004 से लेकर के 14 तक ये हुआ और 14 से लेकर के 24 तक ये हुआ, वो ये कंपैरिजन नहीं कर रहे। तो अगर इन सब बातों पे आप गौर करेंगे तो देर इज नो अल्टरनेट फॉर बीजेपी और बीजेपी लीडरशिप। गर्ग साहब, आपको नहीं लगता कि अगर लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव में आप क्लीन स्वीप कर जाते हैं तो जो विपक्ष है वो कमजोर हो जाएगा, किसी भी शासन को चलाने के लिए जो अपोजिशन है उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, अगर अपोजिशन स्ट्रांग ना हो तो जो शासक होता है वो निरंकुश हो जाता है, तो आपको नहीं लगता कि इसमें दिक्कतें आ सकती हैं? ये एक स्वभाव होता है हर आदमी, जो आदमी निरंकुश हो उनकी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए पूरी वर्ल्ड के अंदर, ऐसा कौन सा निरंकुश शासक था
कि जिसने अपने परिवार को आगे ना बढ़ाया। ऐसा कौन सा निरंकुश शासक था कि जिसने अय्याशी ना करी, जिसने मौज मस्ती के समान अपने घर में अपने दुनिया में नाच जुटाए। आज की डेट में नरेंद्र मोदी एक फकीर की तरह है उनका जीवन। उनकी माँ सिर्फ एक दिन के लिए उनके घर में गई है, शायद रात को भी रही नहीं, ठीक है। उनके भतीजे हैं, उनके भाई हैं, वो लोग आज भी छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे काम कर रहे हैं। एक भी आदमी उनमें ऐसा नहीं है कि जो कोई बड़ा बिजनेसमैन बन गया हो। तो जो आदमी देश के लिए अपने परिवार को उसने कभी आगे नहीं बढ़ाया, तो उसे निरंकुश हो गया, उसका करना क्या है। दूसरी बात, भाजपा जो है किसी एक परिवार की पार्टी नहीं। यहाँ पर अगर नेतृत्व देशभक्त, अगर पार्टी देशभक्त है, तो ये आपको लगता है कि जो संस्कार हैं वो एक दिन में मिट जाएंगे? तो इस संस्कारों पे हमें यकीन करना चाहिए। इसी चंडीगढ़ की धरती पे नरेंद्र मोदी ने घर घर जाकर फकीरों की तरह काम किया है, ठीक है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के भोजन कराया, उनके घरों में जाके भोजन कराया। तो क्या उन्होंने कोई अपना फ्लैट मकान दुकान बनाया है? तो ऐसे आदमी से हम क्यों उम्मीद करें कि वो निरंकुश हो जाए? अगर इंडिया अलायंस जीतता है, देखिए बहुत सारी पार्टियां इकट्ठी हैं, अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो उनका जो प्रधानमंत्री है वो कौन हो सकता है? ये जो सवाल है, इसके लिए मैं भी बहुत चिंतित हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ, तो चंडीगढ़ में मैंने मनीष तिवारी की किसी भी प्रचार सामग्री पे किसी नेता का फोटो नहीं देखा उनके अलावा। इसका मतलब ये है कि उन्हें भी ये नहीं पता है, मनीष तिवारी को, कि भाई इंडिया अलायंस जीतेगा। पहली बात तो उन्हें यही नहीं पता है, उन्हें ये पक्का यकीन है कि नहीं जीतेगा। वो खुद जीतना चाहते हैं, इंडिया अलायंस भाड़ में जाओ उनका, ठीक है। बोलिए मेरे को एक तरीके से एमपी बना दो, जो मैं अपना जाते आता अपना मेरी अपना बनी रहे। ऐसा पहली बार हमने देखने को मिला है चुनाव के अंदर। पहले जब इंदिरा जी चुनाव लड़ती थी तो भाई लोग कहते थे भाई न जात पे न पात पे इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ऐसा बोलते थे, ठीक है ना। अब पर राहुल गांधी का फोटो नहीं, प्रियंका का फोटो नहीं, खड़गे साहब का फोटो नहीं। तो आप ये पूछो कि ये सवाल का जवाब मैं क्या दूं कि जब ये मुझे पक्का, जब उनके ही लोगों को पता है कि हम नहीं जीत रहे। कभी आपने ऐसा कोई चुनाव देखा है कि कोई इसके पीछे का, अपना नेता का फोटो ही ना लगाए? इसके पीछे के कारण आपको क्या लगते हैं? उन्हें ये पक्का पता है कि हम नहीं जीत रहे हैं, और उनको ये भी पक्का पता है कि फोटो लगा ली तो जो थोड़े बहुत वोट मिलते होंगे जान बरादरी पे वो भी चले जाएंगे। दरअसल जैसा आपने अभी कहा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गई है, तो लेकिन देश में तो महंगाई डे बाय डे बढ़ रही है। जो वोटर है जिसने हमें वोट देना है, जिताना है, मतदाता जो है वो लोअर मिडिल क्लास है ज्यादातर, तो उनकी रोटी जो थाली से रोटी गायब हो रही है, उसके पीछे के क्या रीजन है? पहली बात तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि थाली से रोटी गायब हो रही है। ये एक एग्जेजरेशन है। आपके चंडीगढ़ में मैंने किसी भी आदमी को मांगते हुए नहीं देखा। मेरे को जरूरत पड़ी एक बार मैं एक मजदूर की, तो मैंने कहा भाई कितने पैसे लोगे, तो उसने 700 रुपए मांगे। बिल्कुल ठीक है, मेरे पास जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री मिल रहा हो पर व्यक्ति, अगर घर में, तो वो रोटी कैसे, रोटी के बिना कैसे उसका हो जाएगा, ठीक। तो ये जो, इसका मतलब ये हुआ कि फूड फॉर ऑल के अंदर आपके रोटी का इंतजाम तो मोटा मोटी सरकार ने कर दिया। एक बहुत बड़ी शिकायत ये मिल रही है लोगों को कि गेहूं काटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। आप कह रहे हो कि लोग भूखे मर रहे हैं, अरे भाई लोगों का जब स्तर बढ़ता है और ताकत बढ़ती है तभी तो वो अपने काम का चुनाव करता है कि मुझे ये वाला काम करना है। अब मजबूरी में नहीं करेगा मजदूर काम, अब मजदूर अपनी शर्तों पर काम कर रहा है, चाहे अपने यहाँ के किसी भी आप कर्मचारी से पूछ लीजिएगा, चाहे किसी से भी पूछ लीजिएगा। और जो अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी इनकम तो बढ़ेगी पर चीजों के दाम जो है वहीं के वहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। दोनों के कंपैरिजन में अंतर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसका तरीका क्या है निकालने का? आज ही आप निकाल कर देख लीजिए इंटरनेट पे कि 2004 से
2014 तक जीडीपी के अनुपात में महंगाई दर क्या थी और जीडीपी के अनुपात की 2014 से लेकर के 2024 तक क्या थी। आपको श्रीमान जी मैं बता दूं कि कांग्रेस के टाइम पे महंगाई दर जीडीपी के कंपैरिजन में 8% तक पहुंची महंगाई दर जी, और अभी 4.5-4% है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी इनकम बढ़ी है देश की और जितनी महंगाई बढ़ी है उनके बीच का अंतर बढ़ा है। सुन रहे हैं मैं अभी समझा पा रहा हूँ? नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ। ये एक पॉजिटिव साइन है। तो ये इसके अंदर जो है, क्योंकि हिंदुस्तान की इनकम बढ़ रही है, ये तो सही है कि अगर कि भाई अगर गेहूं की कीमत हमें किसानों को ज्यादा देनी है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, लेकिन जितना फर्क खरीदारी में पड़ा उससे ज्यादा इनकम सामने वाले की इनकम एक एवरेज की पड़ी, ये मैं कहना चाहता हूं। अभी आप बात कर रहे हैं सड़कों की, नितिन गडकरी जी की, तो ऐसा नहीं लग रहा कि पिछले कुछ समय से पार्टी जो है नितिन गडकरी जी को बिल्कुल साइडलाइन कर रही है, उनको साइड पे लगा रही है, वो जो पहले जितना एक्टिव थे उतना एक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं? किसी भी आदमी के एक्टिव का क्या पैमाना आप मानते हैं? हर एक आदमी ऐसा तो नहीं होता जैसे मैं ही हूँ, मैं बड़ा संकोची हूँ प्रेस में जाने का। ये जो सड़कों का जाल बिछा है पूरे भारत में, इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? नहीं, बट ऑब्वियस ही बात है, जो सरकार चल रही है नितिन गडकरी जी के पास डिपार्टमेंट है तो डेफिनेटली उन्हीं को दिया जाता है। पूरे भारत के अंदर किसी बच्चे से भी पूछ लो कि सड़क और पुल सबसे ज्यादा किसने बनाए हैं, बिल्कुल ठीक है, तो वो कहेगा नितिन गडकरी जी ने बनाए हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये डिपार्टमेंट अगर खुली छूट नितिन गडकरी को ना होती तो क्या ये श्रेय नितिन गडकरी जी को मिलता? ठीक कह रहे हैं। तो नितिन गडकरी जी ने जो कुछ किया है तो पूरी पार्टी पूरा देश उनके, अगर मोदी जी का आशीर्वाद, मोदी जी का सहयोग, मोदी जी का कंधे से कंधा मिलाकर के अगर नितिन गडकरी जी के साथ ना होते तो क्या नितिन गडकरी जी ये कर पाते? तो इसलिए प्रेस के अंदर उनकी उपस्थिति कितनी है और कितनी नहीं है इसके आधार पर ये मान लेना कि साहब उनको किनारे किया जा रहा है, ये जो है अन्याय है। ये इसे इसे इस तरह से सोचना चाहिए कि देखो नितिन गडकरी ने इस देश के लिए और भाजपा सरकार के लिए और मोदी सरकार के लिए उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ काम करके एक बहुत बड़ा काम देश सेवा के लिए किया है और जिसका श्रेय उन्होंने पार्टी को और मोदी जी के साथ बांटा है। अतुल गर्ग जी के बारे में एक बात बड़ी फेमस है, कहा जाता है कि वो जो आंकड़े होते हैं वो बड़े स्टीक देते हैं। तो आप चंडीगढ़ के प्रभारी हैं, चंडीगढ़ में आपको क्या लगता है कि कैसा माहौल बन सकता है, किस तरह के आंकड़े हो सकते हैं इस बार चंडीगढ़ के? देखिए, चंडीगढ़ के जो लोग हैं वो अगर सामान्य भारत के जो नागरिक हैं उनसे ज़्यादा रैशनल है, ज़्यादा समझदार है, और वो ये जानते हैं जो मेरी समझ में आया है कि देश में इस समय किस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लगातार 2014-19 में जिताया, 2019 से लेकर के 2024 में जिताया, और हमारे यहाँ पर जो सामने एक लोकल कैंडिडेट हुआ करते थे पवन बंसल जी, जिनकी बहुत मान प्रतिष्ठा है, आज भी है पहले भी थी, बिल्कुल ठीक है, तो उन यदि लोगों ने उनको भी, उनको बहुत बड़ा वोट बैंक उनके आधार पे मिलता होगा, मिलता रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी पर्सनल उनकी छवि जो है बहुत अच्छी साफ सुथरी छवि रही उनकी, एक रेल घोटाले में जाके उनकी दिक्कतें जरूर आई हैं बाद में, अदरवाइज उससे पहले उनकी जो छवि रही है बहुत अच्छी रही है। कांग्रेस के अंदर जो किए हुए जैसा कहना चाहिए दुष्कर्म थे, कांग्रेस के अंदर जो भी गलत काम हुए उसका उन्हें नुकसान हुआ, बिल्कुल ठीक है, उनका उन्हें नुकसान हुआ, और इसके अंदर जो उन पर आरोप लगे, दुष्कर्म का मेरा मतलब है कि जो घोटाले वगैरह जो हुए उसका उन्हें नुकसान हुआ, और लेकिन मोदी को जिताने के लिए लोगों ने उनसे अपना उनको जिताया, अब उनको जो है उनको हराया और यहाँ इधर वोट दिया। अब की बार वो नहीं है, हाँ इस बार वो एक्टिव नहीं है उस तरह से, अब एक्टिव नहीं, एक्टिव भी अगर हो मैं मानता हूँ चलो एक्टिव भी, लेकिन वोट उनको नहीं मिल रहा है। तो क्या जो आदमी लुधियाना में भी जा गया, अनंतपुर साहब में भी चला गया, उसके बाद तीसरी दफ़े यहाँ आ गया, क्या उस आदमी पर कोई व्यक्तिगत रूप से भरोसा करेगा? उस आदमी पे भरोसा करेगा कि जिसको जो यही नहीं कह रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री कौन होगा, जो अपना नेता तक का फोटो नहीं लगा सकता, तो ये तो गारंटी नहीं। पर वो तो एक बात कहते हैं कि
कि लोकसभा के चुनाव है, ये राष्ट्र के चुनाव है, हम कहीं से भी लड़ सकते हैं। मोदी जी भी तो गुजरात से आके बनारस में उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं, वो लोग कहते हैं। ऐसा है कि मोदी जी जिस समय लोकसभा का चुनाव लड़े तो वो पहला वहां पर 15 साल वो मुख्यमंत्री रह करके तब लड़े, वो कोई भाग के नहीं आए थे, और वहां पर बहुत बड़ा काम करके आए, तभी उनको पार्टी ने राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनका नाम रखा, वहां पर नाम कमा के आए थे। वो वहां से भगोड़ा बन के नहीं आए थे कि वहां पे वायदे करे और चले गए। आप उनकी टेप निकाल लीजिए, मैं दे देता हूँ आपको आज, कि 2000 वो लुधियाना में उन्होंने क्या बोला, सेम वही चीज उन्होंने रिपीट करी अनंतपुर साहिब में, और वो सेम यही चीज वो रिपीट कर रहे हैं चंडीगढ़ में, वही डायलॉग है, बस स्थान पुराने हैं। जो उन्होंने वायदे पूरे करे उनसे आप पूछ लीजिएगा कि उन्होंने कौन कौन से वायदे किए, कौन कौन से पूरे करे। और जो भी है वो चुनाव लड़ रहे हैं अपने को MP बनाने के लिए, वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो कम से कम फोटो तो लगाते अपने प्रधानमंत्री की, जिस गर्व के साथ टंडन जी लगा रहे हैं उस गर्व के साथ उतने लगा रहे हैं। तो इसके अंदर अब की बार जो आपने आंकड़ा पूछा, तो जो वोटर व्यक्तिगत रूप से पवन बंसल से प्रभावित था लोकल कैंडिडेट के नाम से, अब की बार वो सारा का सारा वोट पहले के मुकाबले ज्यादा वोट टंडन जी को मिलेगा। और ऐसा कोई वोट ऐसा नहीं है कि जो है भाजपा से नाराज होकर के कांग्रेस में चला जाएगा, एक अनजान आदमी को वोट दे देगा। तो अब की बार जीत का जो अंतर है वो दुगना या ढाई गुना होने वाला है। अच्छा जी, मतलब आपके हिसाब से इस बार जो जीत रहेगी पिछली बार के मुकाबले डबल मार्जिन से जीतेंगे हम लोग। मनीष तिवारी जो है, मैं सबसे ये सवाल पूछता हूँ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीद मेरे पास नेता आते हैं, मैं सबसे पूछता हूँ कि मनीष तिवारी ओपन चैलेंज कर रहा है संजय टंडन को कि आओ लोकल मुद्दों पे मेरे साथ बैठ के डिबेट करो, तो क्या कारण है संजय टंडन उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? मैं इसलिए क्यों नहीं, इसलिए बता रहा हूँ कि मनीष तिवारी को कोई सीरियसली लेता नहीं है। मनीष तिवारी कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे, कुछ भी बात करेंगे, उतना महत्व क्यों दें? जिस आदमी के सामने भाई रामचंद्र जी युद्ध के मैदान में जब ही गए, जब सामने रावण आया, ठीक है भाई ताकतवर आदमी आया, वो किसी और से तो नहीं लड़े, बाकियों से तो बाकी लोग लड़े, समझ गया? ठीक है। तो मनीष तिवारी जी की कोई जब कोई आइडेंटिटी कोई हैसियत नहीं है तो हम उन्हें देखिए, वो दो बार के MP हैं, यूथ के प्रेसिडेंट रहे हैं, नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं, तो हैसियत की बात करें तो एक राष्ट्रीय नेता है वो। मतलब MP बनने से राष्ट्रीय नेता हो गए, तो ये बताओ कि राष्ट्रीय नेता ने ये कसम खा रखी है कि पूरे दुनिया में चुनाव लड़के मानूंगा? इसका मतलब ये हुआ, आपके कहने का मतलब ये कि पहले वो लुधियाना से ले क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता है, फिर अनंतपुर साहब गए, अब राष्ट्रीय नेता है तो चंडीगढ़ आ गए, तो अब की बार कहाँ जाएंगे? अब की बार सोलन जाएंगे, ठीक है, या कहीं और जाएंगे? तो राष्ट्रीय नेता का मतलब ये कोई होता है कि पूरे राष्ट्र में घूमते रहे। और भाई हैसियत का मतलब ये होता है कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो कि पूरी दुनिया उन्हें पहचानती हो, कोई बातचीत करती हो। कांग्रेस के पास में 2-4-6 लोग थे कि जो बोल सकते थे। अब आपके यहाँ प्रवीण एक रंजन है उनके यहाँ बंगाल का, क्या वो प्रभावित करने वाला राष्ट्रीय नेता है? पर पोस्ट में वो लोकसभा का नेता विपक्ष बना के। अब अगर मैं किसी को भी टीका गोला बिठा दूँ हाथ में तो वो योद्धा बन जाएगा? तो मैं मेरे हाथ में आप तलवार दे दीजिए, गदा पहना दीजिए, मेरे को टीका कर दीजिए, तो मैं योद्धा हो गया? अरे मैं वही तो हूँ जो मैं हूँ। तो उनको MP बन गए हैं वो, और कांग्रेस के पास क्योंकि ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है तो उन जैसे लोगों को आप उनके भाषण तो देखो 370 के ऊपर, 370 के ऊपर उनका भाषण देखो। अच्छा उनसे एक सवाल कर रहे कि अभी पंजाब के कांग्रेस के एक बड़े नेता ने ये बोला है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बिहार के लोगों को यहाँ पर जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है, उनको यहाँ पर बसने नहीं दिया जाए। तो और वो पूर्वांचल में जाकर के ये बोल रहे हैं समाज में कि मैं तो पूर्वांचल ही हूँ, चंडीगढ़ में बोल रहे हैं मैं तो चंडीगढ़ का हूँ, ठीक है, दोनों बात एक साथ कह रहे हैं ना। तो उनसे इस सवाल का जवाब ले लीजिए कि उनका क्या कहना है, क्या उन्होंने इस बयान का क्रिटिसिज्म किया कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं कहेंगे। क्यों? अब वो ये चाह रहे हैं कि अब पूर्वांचल की मैं बात करके मैं पूर्वांचली का वोट ले लूं और कुछ लोगों को मैं कांग्रेस, मतलब
हर तरीके के लोगों को जितनी गालियां बीजेपी को वो देंगे या जितनी गालियां वो हिंदुत्व को देंगे उतना उनको लगता है कि ऐसा वोट जो उनको इस बात से खुश होता है वो उन्हें मिल जाएगा। आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप एक्स मिनिस्टर हैं वहां पे, इस बार आप लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के आंकड़े इस बार किस तरह के नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे समाजवादी पार्टी या दूसरी सारी पार्टियां वो इकट्ठी हैं आज, मुस्लिम जो वोट है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही है, तो किस तरह के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं आपको? मुस्लिम वोटों को इतना भड़का दिया गया है पिछले 20-30-40 सालों में कि समाजवादी पार्टी ने भी सब ने और इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं कि हम आरक्षण दे देंगे, और हाथ की हाथ वो एक डायरी दिखाते हैं कि ये संविधान है, एक किताब दिखाते हैं ये संविधान है और भाजपा इस संविधान को बदल देगी, और उसी संविधान में ये लिखा है कि धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं होगा। तो अब ये बताओ, और वो ये कहते हैं कि हम धर्म के नाम पे आरक्षण देंगे और कह रहे हो कि संविधान भाजपा बदल देगी, तो कुछ समझ में आती है बात आपके? अगर आप ये मुड़ के कह रहे हो कि हम धर्म के नाम पे आरक्षण देंगे तो आप क्या कहते हो कि संविधान आप बदलना चाह रहे हो, इसका मतलब तो ये है। और उन्हें पता है संविधान नहीं बदला जाएगा, उन्हें भी पता हम सत्ता में नहीं आएंगे, बस वो क्या कर रहे हैं, एक झूठा वायदा करेंगे, और झूठा वायदा करके अभी ममता जी ने क्या किया, अपनी विधानसभा से प्रस्ताव पास करा लिया, अब वो प्रस्ताव जा करके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट से वापिस हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल ने पास करा लिए, तो वो ये कहते हैं गुरु हम तो तुम्हारे साथ हैं लेकिन संविधान तुम्हारे साथ नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि संविधान भाजपा बदल रही है। तो ये जानते हुए कि जो काम नहीं हो रहा है वो इस तरह से बोल करके लोगों को भरमा रहे हैं, तो अब उसका कोई इलाज हम पे तो है नहीं भाई साहब, कि भाई अब ये तो जनता ही देखेगी भाई क्या मामला है। बाकी रही उसकी बात, योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार है, पिछली बार पहले से ज्यादा वोट आई थी, अब की बार उससे ज्यादा वोट आई। दोस्तों ये थे अतुल गर्ग जी जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं और ये गाजियाबाद से लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं और चंडीगढ़ में ये प्रभारी हैं। आप गर्ग साहब हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।